देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। नेवी के महत्वाकांक्षी P-75 स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की गई छठवीं पनडुब्बी INS वाक्शीर मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च हो गई। INS वाक्शीर मुख्य रूप से एक हमलावर पनडुब्बी या हंटर किलर है, यानी इसे दुश्मनों के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार किया गया है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसकी लंबाई 221 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। आपको बता दें कि यह पनडुब्बी समुद्र के अंदर 20 समुद्री मील यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक और सतह पर 11 समुद्री मील यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। यह 350 फीट की गहराई तक जा सकती है और 50 दिनों तक पानी में रह सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS वाक्शीर अपने साथ 18 टॉर्पीडो ले जा सकती है और एक साथ करीब 30 माइंस बिछा सकती है। आपको ये बता दें कि नेवी में कमीशन होने से पहले इसे ट्रायल से गुजरना होगा। INS वाक्शीर के मार्च 2024 में नेवी फ्लीट में शामिल होने की उम्मीद है। अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से यह दुश्मन के सोनार को आसानी से चकमा दे सकती है। INS वाक्शीर को दुनिया की सबसे मॉडर्न पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। आगे आपको बता दें कि स्कॉर्पिन सबमरीन एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाना, माइन बिछाने और एरिया सर्विस लाइन का काम कर सकती है। इसका 40% से अधिक हिस्सा मुंबई के मझगांव डॉक में आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। और आइए अब जान लेते हैं क्या है P-75 स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट। आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट 75 का कॉन्सेप्ट अप्रैल सन 1997 में तैयार किया गया था। उस समय देश के PM IK गुजराल थे। तत्कालीन सरकार ने 25 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना तैयार की थी। शुरुआत में P-75 एक 30 साल तक चलने वाली पनडुब्बी निर्माण योजना थी, जिसमें भारत को 24 पनडुब्बियों, 18 पारंपरिक और 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करना था। आपको ये भी बता दें कि भारत और फ्रांस ने सन 2005 में स्कॉर्पिन कैटेगरी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $3.75 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। भारत की ओर से इसे तैयार करने वाली कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड है। वहीं फ्रांसीसी की ओर से DCNS ने इसे तैयार किया है। आगे आपको ये भी बताते चलें कि P-75 प्रोजेक्ट के तहत अब तक 4 मॉडर्न पनडुब्बियां INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला पहले ही नेवी में कमीशन की जा चुकी है, जबकि INS वागीर के लिए समुद्री परीक्षण चल रहे हैं। इस सीरीज की पहली पनडुब्बी का नाम INS कलवरी है। आगे आपको बता दें कि INS खंडेरी जनवरी सन 2017 और INS करंज 31 जनवरी सन 2018 में पहले ही नेवी में शामिल हो चुकी है। यह दोनों एडवांस स्टेज की सबमरीन है। INS करंज 10 मार्च सन 2021 को नेवी फ्लीट में शामिल हुई थी। INS वाक्शीर भारत के लिए काफी अहम है। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास 10 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 5 फ्रांसीसी मूल के अगोस्टा 90B क्लास खालिद क्लास की पारंपरिक पनडुब्बी है और यह फुल्ली ऑपरेशनल है। दूसरी तरफ चीन के पास 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां यानी SSBN है, जो परमाणु मिसाइलों से लैस है। साथ ही करीब 40 हमलावर पनडुब्बियां हैं। आगे आपको ये भी बताते चले कि उन्नत सिस्टम के कारण पनडुब्बी बिना आवाज के समुद्र में चली जाती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन के रडार में ये नहीं आता है। इस पनडुब्बी में 2 पेरिस्कोप भी है। लेटेस्ट नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस वाक्शीर किसी भी मौसम की स्थिति में संचालन करने में पूरी तरह सक्षम है। आगे आपको बताते चलें कि INS वाक्शीर पनडुब्बी की आंतरिक तकनीकी फ्रांसीसी और एक स्पेनिश कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई है, जबकि निर्माण भारतीय शैली में किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अब तक भारत की सुरक्षा के लिए 5 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को तैनात किया गया है। भारत की युद्ध क्षमता बढ़ाने वाली इस सीरीज की यह आखिरी पनडुब्बी है, साथ ही अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता से लैस है। तो आपको इस पनडुब्बी के बारे में जानकारी कैसी लगी? आपका क्या मानना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।